ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गणतंत्र दिवस की धूम पूरे देश में देखे जा रही है, वहीं मुमरा शहर में भी आज गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर PI NV कोल्हटकर ने तिरंगा फहराया और सलामी दी गई। साथ ही मदरसे के बच्चों ने भी गणतंत्र दिवस पर रैली निकाली और तिरंगा फहराया। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कई दफ्तरों पर भी तिरंगा फहराया गया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर पर मौलाना वहाब कासमी ने तिरंगा फहराया और लोगों में मिठाई बाँट कर मुबारकबाद दी। मुमरा शहर में कई जिम्मेदार अपने अपने अंदाज में तिरंगा फहराए। गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुमरा पुलिस स्टेशन में भी मनाया गया, यहाँ पर झंडा फहराया गया, क्या बताया जाएगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को और मुमरा वासियों को इस गणतंत्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज अपना भारत देश प्रजासत्ताक हो गया है, इसीलिए मुमरा वासियों के लिए मैं वापस एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुमरा पुलिस स्टेशन में आप सब लोगों के सब उपस्थिति में आज का ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं मोहम्मद साद कासमी जामिया कासिमुल उलूम का खादिम हूँ। आज जामिया कासिमुल उलूम कौसा मुमरा की तरफ से 26 जनवरी यौम जम्हूरिया के मौके पर झंडा फहराया गया और पुलिस महकमे के आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे। आज के इस मौके पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो संविधान हमें मिला है और जिसकी बुनियाद पर समानता और सारे लोग एक साथ इसी मुल्क में रहते हुए मुख्तलिफ़ अकलियतें होने के बावजूद, ज़ुबानों के मुख्तलिफ़ होने के बावजूद, रीत रिवाज मुख्तलिफ़ होने के बावजूद, एक चीज़ जिसने सबको जोड़ा हुआ था वो इस मुल्क का संविधान है। इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए और इस वक्त जो फ़िरका परस्ती चरम सीमा पर है, जिसकी वजह से हमारे इस मुल्क की जमहूरियत को ख़तरा लाहिक है, इससे निमटने के लिए अमन पसंद शहरियों को आगे आना चाहिए और मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ में जिस तरीके से हमने एक बेहतरीन भारत का ख्वाब देखा था, अच्छे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, उसकी तामीर में जिद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और हर किस्म की फ़िरका परस्ती से मुकाबले के लिए हर लम्हे और हर महाज पर हमें काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो देश में लोग नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके अपील है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में तमाम लोगों ने अपना खून बहाया है और जब हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अहद किया था तो हमने ये नहीं देखा कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। उस वक्त जिस तरीके से तमाम लोगों ने एक मुट्ठी बन करके पूरी ताकत के साथ अपने मुल्क को आज़ाद कराने में जो अपना अपना बलिदान पेश किया, हम चाहते कि ये मोहब्बत आज भी कायम रहे। कुछ लोग इस मोहब्बत को नफ़रत में बदलना चाहते हैं और इतनी दूरी पैदा करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान में इतनी दूरी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे देश में ऐसे बहुत से महान शख्सियत आज भी मौजूद है जो इस दूरी को नज़दीकियों में तब्दील करना चाहते हैं। मैं तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ 26 जनवरी की, क्योंकि आज ही के दिन हमारा कानून नाफिद हुआ था और कानून जब ये नाफिद हुआ था तो इसमें ये कहा गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून को लिखा और उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में तमाम लोग भाई भाई की तरह रहेंगे, बल्कि भाई और भाइयों के दरमियान में दूरी पैदा करने वाला हमारा मुल्क नहीं रहेगा, मोहब्बत और खुलूस वाला रहेगा। हम इस देश में पैदा हुए और ख़ासकर मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने देश से मोहब्बत करें, अपने देश के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े
तो सबसे पहले ये कहें कि सबसे पहले अगर इस मुल्क के लिए खून की ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान सबसे पहले सर कटाने जाएगा, ये हमारा अहद होना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये तालीम दें कि मुल्क से मोहब्बत करें और जहाँ रहें उस जहाँ से मोहब्बत करें। तो हम यही एक बात कह के बात को ख़त्म करना चाहते हैं कि आपस में भाईचारगी को बरकरार रखें, आपस में मिलजुल करके रहें और ऐसा काम करें जिससे हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़े। अल्लाह हाफ़िज़।